शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने फर्स्ट इंडिया को दिया गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि मैं बीकानेर पश्चिम से ही चुनाव लड़ूंगा, इसके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं, जनता मेरे साथ है। वही डॉक्टर कल्ला ने सीएम की ओएसडी लोकेश शर्मा को लेकर कहा कि आजकल उनका आना बंद हो गया है। साथ ही बीकानेर पीआरओ के तबादले को लेकर चल रही कंट्रोवर्सी पर भी डॉक्टर कल्ला ने नाम लिए बिना सीएम की ओएसडी पर निशाना साधा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला से खास बातचीत की संवाददाता लक्ष्मण राघव ने। हमारे साथ कांग्रेस की दिग्गज नेता और शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला है, लगातार चर्चा में हैं। सीएमआर पर एक बड़ी बैठक कराई अकलियत के नेताओं के साथ, जो बात लगातार आ रही थी कि अकलियत में कुछ नाराजगी है। डॉक्टर बी डी कल्ला कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक से चलें। कल्ला साहब, एक मीटिंग आपने कराई, बहुत सारी बातें कहीं, तारीफ भी हुई सीएम की, कुछ आलोचनाएं जो थी या जो कमियां थी या जो शिकायतें थी वो भी रखी गई, किस तरह से देख रहे हैं आप इस पूरी कवायद को, आपने कोशिश की थी? ऐसा है कि जो मीटिंग वहाँ पर हुई है बहुत सार्थक मीटिंग रही, और जो जो मसाइल होते हैं सभी लोगों को रखने का हक होता है, तो यहाँ पे जो अकलियत की मसाइल थे उन मसाइल्स को रखा गया और उसमें काफ़ी ठोस आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है और उसके ठोस परिणाम आए। आप सीजन नेता माने जाते हैं, पर अभी चुनावी साल में आप देखें जिस तरह की जुबानी जंग शुरू हो गई है, जिस तरह से नेता बोल रहे हैं, एक नेता आपके मंत्री के लिए, सीनियर मंत्री के लिए कहते हैं उनको अरब सागर में फेंक देना चाहिए, फिर एक विधायक को, अपनी ही पार्टी के विधायक को कहते हैं कि ये तो बचपन जैसा व्यवहार कर रहे हैं, सूर्यकांता व्यास को, तो ये जो बयान आ रहे हैं डॉक्टर बी डी कल्ला क्या कहते हैं इन पर? गजेंद्र शेखावत जिस तरह से बयान दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बयान देने से पहले आदमी को सोच समझ कर जस्टिस, इक्विटी और गुड कॉन्शियसनेस के आधार पर बोलना चाहिए। मैं तो हमेशा बुज़ुर्गों का सम्मान करता आया हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, और मैं समझता हूँ कि मैं ऐसे बयानों को पसंद नहीं करता कि अरब सागर में फेंक देना चाहिए, इसको वस्त कर देना चाहिए, कोई है क्या उसको ये कहना चाहिए कि ये काम गलत किया है, ये अच्छा किया है। लेकिन बुज़ुर्गों का सम्मान कहा भी गया है कि बुज़ुर्गों का सम्मान करने से आयु, बुद्धि, यश और बल बढ़ जाते हैं, तो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे बुज़ुर्गों को उनकी वाणी से नुकसान हो। अफवाहों अटकलों का बहुत दौर है, कोई कहता है डॉक्टर बी डी कल्ला फलौदी से चुनाव लड़ेंगे, कोई कहता है डॉक्टर बी डी कल्ला इस बार चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। अच्छा, ये अफवाहों को तब और अब मैं जवाब दूंगा, पहले पूछ लेता हूँ, और अफवाहों को तब बल और मिलता है जब आपके उम्मीदवार हूँ, पश्चिम से ही चुनाव लड़ूंगा। अफवाहों को तब बल मिलता है जब आप ही के मुख्यमंत्री के ओएसडी भी कुछ इस तरह की बातों में सहारा बन जाते हैं। क्या उन्होंने आना बंद कर दिया? उन्होंने दूसरी जगह, मतलब डॉक्टर बी डी कल्ला ने बंद करवा दिया? मैंने नहीं किया, उन्होंने ही कर दिया। उनको समझ में आया कि बीकानेर भारी पसंद नहीं करता? अब वो तो वो जाने। आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि उन्होंने यहाँ से बीकानेर आना बंद कर दिया है और यहाँ के दिख तो नहीं रहे, आप ठीक कह रहे हैं। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना कि यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है बी डी कल्ला को। पार्टी ने मुझे मतलब क्या है कि हमेशा तवज्जो दी है और मुझे पूरा विश्वास है पार्टी मुझे ही टिकट देगी। कल्ला साहब, एक कॉन्ट्रोवर्सी बहुत हो जाती है, पार्ले पर कॉन्ट्रोवर्सी शुरू हो गई, फिर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं चीज़ें, तो ये क्या है आखिर? क्या कांग्रेस होमवर्क नहीं करती, सरकार होमवर्क नहीं करती? जिसके बारे में आप प्रश्न कर रहे थे ना, उसी के कारण से ये हुआ है। इसमें मैं तो हमेशा से इसको रखा हुआ ना, 4 साल से जब रखा हुआ था तब किसी ने नहीं कहा कि ये किसके कारण से रह रहा है। कल्ला को क्यों लगता है कि वही सबसे मजबूत उम्मीदवार एक बार फिर लगता? बीकानेर की जनता से पूछ लीजिए आप कि वो किसको उम्मीदवार चाहते हैं। अच्छा, किन मुद्दों पर वोट मांगेंगे आपको पार्टी टिकट देती है? विकास के नाम पर वोट मांगूंगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 10 गारंटियां दी है उसके आधार पर वोट मांगूंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर बी डी कल्ला का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ नजर आया, ओएसडी पर सीधे हमला बोल दिया है और ये कहा है कि अब कहाँ दिख रहे हैं आपको, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दों पर मैं चुनाव लड़ूंगा, बीकानेर की जनता ये तय करेगी कि यहाँ जो है मैंने जो काम कराए हैं उस पर वोट मिले। कैमरा पर्सन अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।